So we'll start with the expression tile dry. So basically tile dry में आप लोगों के पास क्या है, same दो partners वही जो हमने tile two में किए थे. अब आपने discuss क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कुछ information है. तो basically जो question है, question में आप अपने friend के birthday का, friend के बेटे के birthday का 10th birthday discuss कर रहे हैं या plan कर रहे हैं. और plan कर कहाँ पर रहे हैं, एक garden में plan कर रहे हैं, ठीक है, जैसा हमने question में भी पढ़ा था. So अब जो points discuss करने हैं वो क्या discuss करने हैं, one के नाव. Exactly. तो वन में देखिए जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है वो होती है उसकी डाटून, ठीक है, कौन सी डेट को करना है. तो ये बहुत जरूरी है किसी भी प्लानिंग के लिए. और उसका था कौन से डे में करना है, तो ऑब्वियसली आप वर्किंग डे तो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, सैटरडे संडे का आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद वेन एंड लार्डन, वेन एंड लार्डन, वेन एंड लार्डन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको आप लोग वो कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं. यहाँ पर आप फ्रेंड की बात कर सकते हैं या यहाँ पर आप बिखांड की बात कर सकते हैं, उनके किसी रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की या लोन की, या दोनों बहुत है. उसके बाद गिशेंक, गिशेंक, गिशेंक में आप यहाँ पर एक गिफ्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है. वो 10 साल का बच्चा है तो उसका गिफ्ट उसी के अकॉर्डिंग प्लान होगा. वो कोई बुक हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कोई ऐसा टॉय हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो 10 साल के बच्चे के लिए हो. उसके बाद आती है बात गेट रैंक की. यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, गेट रैंक. और दो ऑप्शन है हमारे पास, एसन. तो एसन में आप खाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, गेट रैंक में आप पीने के लिए कुछ भी रख सकते हैं. वो कोला हो सकता है, वो जाफ हो सकता है, वो लियोनार्डो हो सकता है, या एक हफ्ते कुछ भी हो सकता है. ऐसे में आप खाने के लिए ऑब्वियसली आप फॉर्मेस रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पर आप कुक है तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है. और आप क्या क्या रख सकते हो बर्थडे में, क्या रख सकते हो, नूडल्स, नूडल्स रख सकते, ठीक है, नूडल या पिज्जा, ठीक है. उसके बाद टीशर्ट और स्टूलर, तो ऑब्वियसली ये टीशर्ट और स्टूलर क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पर्सन है आप लोगों ने 10 बंदे बनाए तो उनके अकॉर्डिंग आपकी 10 सेटिंग्स वगैरह हुएगी, ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट होएगा. वाज नॉट मिसोबल, ऑब्वियसली अब किसी का बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी में कुछ तो होएगा, कोई डांस प्रोग्राम हो सकता है, कोई बच्चों के लिए गेम हो सकती है, और क्या हो सकता है किसी डांस पार्टी में, कैरियोके हो सकता है, स्पीलर हो सकता है, ठीक है. और उसके बाद वर्स टून बाय स्लेस्टन बेटर, तो अभी अभी जैसे हमने बात करी थी कि गार्डन में बर्थडे हो रहा है तो बाइचेंस बारिश आ जाती है, फिर उस केस में क्या है, उस केस में हम एक ऑप्शन और रखेंगे घर के अंदर का, ठीक है. तो इसमें वर्स टून बाय में हमें स्वाइट ऑक्सीजन रखेंगे, स्वाइट ऑक्सीजन रखेंगे या घर के अंदर का, ठीक है. यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं, हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है. लेट्स मूव टू द गेस्ट प्रेश, पार्टनर आ और पार्टनर बी. फॉर एग्जांपल लास्ट में हमने निधि का रखा था, या तो मैं पार्टनर बी हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड निधि को बोल रही हूँ, हेलो निधि, विगेट्स, विगेट्स, ओडर विगेट्स डियर, कुछ भी, ठीक है. अच्छा यहाँ पे विगेट्स किनन आएगा नहीं, मैम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम इन फ्रेंड है, ठीक है, तो उनके साथ बात भी वैसी करनी क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है, ठीक है. हेलो निधि विगेट्स, ओडर विगेट्स डियर, has get me a boot. और वैसे भी ये आपकी फ्रेंड है तो आप सिंपल बोल सकते हो डांक बूट. ओके, तो आप जिस हमारी जिस फ्रेंड का बर्थडे था उसका नाम फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं पूजा, रख लेते हैं, ठीक है. सेकेंड में वाइज टू, अब हमेशा हमने स्टार्ट करना है वाइज टू, तुम्हें पता है वाइज डू,
ओके, अब ऑब्वियसली पूजा के बेटे का नाम भी कुछ रखेंगे, वाइज टू वंश, वाइज टू वंश अम फॉर एग्जाम्पल आज है 9th, आज 8th है, अम 11th अक्टूबर गेबुस्टा हार्ट, या वाइज टू वंश हार्ट हम 11th अक्टूबर गेबुस्टा हार्ट, इसको बर्थडे है 11th को, ये क्या बोलेगी, या इश वाइज कौन पूजा हार्ट गिजार्ट आई न पार्टी टू फायन, पूजा हाथ के साथ आई ने पार्टी सू फाइन, यहाँ तक क्लियर है? Yes, उसने बोला कि एक पार्टी करनी है, सो इसको हम आगे चल रहे हैं, है यहाँ तक, या सी हार्ट मिश जी हार्ट मिश अन्य या she called me, sie hat mich angerufen, jetzt müssen wir zusammen, क्योंकि अब दोनों ने मिलकर करना है, müssen wir zusammen, क्या करना है, müssen wir zusammen eine gute Party organisieren, कुछ वर्ड्स तो पेपर से ही उठा लेना, ठीक है, कुछ वर्ड्स तो क्वेश्चन पेपर से उठा लेना, परफेक्ट, पहले दिस साइड देन दिस साइड, परफेक्ट, वी आर क्योंन, सो नाउ सॉरी फर्स्ट वन वन वी आर क्योंन अम एल्फ टेन, क्योंकि सेंटेन और एल्फ्रेंड टेंथ को था ना बर्थडे, ओके, सो वी आर क्योंन अम एल्फ्रेंड अक्टूबर, क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे उसी दिन है, वी आर क्योंन अम एल्फ्रेंड अक्टूबर ओम शाम का टाइम ओम एक्सेन हुआ, ओम एक्सेन हुआ दी पार्टी बिगिनन ओल्डर अनफाउंडेड, यहाँ तक क्लियर है, पार्टी इतने बजे हम लोग शुरू करेंगे, या दस इज आई न गुड इडे, दस इज आई न गुड इडे, रिमेम्बर ऐसे छोटे छोटे रेडिमेडल यूज जरूर करते हैं, दस इज आई न गुड इडे, कर लिया वन और एब्सेंट हुआ, तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा डन हो गया, सो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन एंड गार्डन कौन वी आर क्योंन दी फ्रॉइंड फ्रॉइंड कौन वन एंड गार्डन, या वी आर क्योंन दी फ्रॉइंड कौन वन एंड गार्डन, देन पार्टनर बिन जा पूजा हाट गिजार्ट आओ ein paar Leute zum Beispiel Freunde Nachbarn von, ja, Freunde Nachbarn und Bekannte auch einladen. Ja, so Puja hat gesagt, auch, okay, hier we have used, we'll cut here, because we have used here, yeah. Puja hat gesagt, ein paar Leute, zum Beispiel Freunde, Nachbarn und Bekannte auch einladen. Bist du hier clear? Ja.
ओके नाउ ऑब्वियसली अब इनवाइट करना है तो किस तरीके से इनवाइट करना है, इनविटेशन का भी तो एक तरीका होता है. सो सिंपल वी आर क्योलिन जी टेलीफोनियर आई एम पार्ट क्या. सो या वी आर क्योलिन जी and Z is very small. Yeah, Z de. Z Einladen. Ne, telephone here. Yeah, we are können Z telephone here. Und Einladen. Then, partner will reply, yeah. Das klingt wunderbar. Ja, das klingt wunderbar. So here we finished our second point. Ja, jetzt geschehen. So obviously he is a 10 year old. So, Wunsch ist 10 Jahre alt. Wir können ihm ein T-Shirt. Okay, first we'll start with T-Shirt. Yeah, T-Shirt schenken. We will not use the verb geben. It's the word there. Schenken. Yeah, schenken. Nein. Nein. Wunsch. Hat schon viele T-Shirts. Ja, aber wir können vielleicht ein Buch, ja, oder ein Spiel, ja, ja, aber wir können ihm ein Videospiel geben oder schenken? Schenken. Schenken. Ja? Einfach. Perfekt. Ja? Perfekt. So, this part is done? Yes. Let's go to Getränke und Essen. Ich glaube, Kinder mögen Nudeln und Pizza. Also zum Essen können wir Pizza und Nudeln. Or you can simply use here the pronomen. Wir können Sie. Sie. So, Sie is here for pizza und Nudeln. Yeah? Wir können Sie bestellen. Wir können Sie bestellen. Klar? Du hast ja recht. So, here we have used modal particle ya, yeah, for sure. You are for sure right. Du hast ja recht. Wir können zum trinken for drinking. Yeah? So, yahan par pure ka use nahi karna. सुम ट्रिंकन और सुम के बाद ये जो ट्रिंकन है या जो ये एसन है ये नाउन फॉर्म में आएगा, इसको वर्ब फॉर्म में मत लिखना. ठीक है, वी आर क्योनेन सुम ट्रिंकन होला ओन जा बेस्टेलन. क्या वी सी एट ना. ओके सो ये ट्रिंक उन एसन फेटिश. Jetzt Stühle und Tische. Stühle. Okay.
ओके सो वियर न्यूसन, ये पार्टनर आ है, वियर न्यूसन न्यूसन फेटिश, वियर न्यूसन आओ लाइट फिल्म और जीवन रीजन के लिए जीवन टीशर और जीवन टीशर आइफा नो नीड टू स्टूम ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब टीश कर रहे हो तो वो भी आई जाएगी। बियर म्यूसन आउ जीवन टीशर रेज अ बियर एंड पार्टनर बेज आर मार्क जी और मार्क Kind is over. Yeah, don't take tension, don't worry. Mark, kind is over. अब obviously ये friends हैं, तो यहाँ पर हमने इनको imperative form में use कर लिया। Mark, kind is over. ना, don't worry. Dark, white Abend. Okay, Mark, kind is over. Don't worry. Heute Abend. Heute Abend. Reserviere ich. Ich die Tisch. Klar? Fertig? Was noch besorgen? Jetzt, यहां पर हमको कुछ सोचना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, und wir können vielleicht, wir können vielleicht, wir können vielleicht ein Spiel zum Beispiel ein Quiz oder Tombola. Ah, wir haben eine Tombola. Wir können Tombola organisieren. Organisieren. Was denkst du darüber oder daran? Was denkst du daran? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Wir können auch ein Tanzprogramm, ja, auch ein Tanz Programm organisieren. Ja. Bisher klar? Ja. So, Partner A, warte. Ich habe gesehen, dass Ich habe Wetterbericht. Ja? क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं कहां देखा। पार्टनर आजा वाट वाट इश मूस Ich muss einmal Wetterbericht checken. Ja, wenn es regnet, dann können wir zu
हाउस एंड पार्टी सो हाउस डी पार्टी और आइनपा सो हाउस पार्टी क्योंकि ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी अगेन एंड अगेन आर्टिकल ओके सो या व्हेन इज रेग्नेट दैन क्यूरन बी सो हाउस पार्टी पार्टी माकन फाइन या फाइन गे नाउ पार्टी माकन बेसर पार्टी फाइन या सो या व्हेन इज रेग्नेट दैन क्यूरन बी सो हाउस पार्टी फाइन या दाफियो म्यूजन बी आउ आउ डस हाउस बस माथे बी डस हाउस देखो रियर है ना देखो देखो रियर है या येक्स्ट येक्स्ट हावन बी Alles diskutiert. At the end, don't forget to write the sentence. Yet, haben wir alles diskutiert? Wir treffen uns. Wir treffen uns wann? Am 11. Am 11. October. Und obviously, party is at 18, so we have to film same over. Yeah. This Samstag, actually, this 11th October, ciao. Tschüss. Ciao.